दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया के हार के बाद भारतीय दिग्गजों का बड़ा बयान सामने आया है। दिग्गजों ने हार की बड़ी वजह बताते हुए सूर्य कुमार यादव को फटकार लगाई है। वहीं सभी को संजू सैमसन की याद आ गई है। जी हां दोस्तों, आपको बताएंगे किसने क्या कहा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी संजू सैमसन के फैन हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच कल एशिया कप सुपर फोर का आखिरी मुकाबला खेला गया। फाइनल मुकाबले से पहले ये टीम इंडिया के लिए प्रैक्टिस मैच जैसा था। इस मैच में बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शाकिब अल हसन के 80 रनों के दम पर भारत को 267 रनों का लक्ष्य दिया। हालांकि भारत इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई और बांग्लादेश इस मैच को 6 रन से जीत गया। लेकिन इस मैच में शुभमान गिल ने 121 रनों की पारी खेली, तो वहीं अंत में अक्षर पटेल ने भी 42 रन बनाकर भारत को जीत दिलाने की पूरी कोशिश की। इस मैच में सूर्य कुमार यादव को मौका दिया गया था, लेकिन एक बार फिर वो ओडीआई में फ्लॉप साबित हुए। इस मैच में वह बेहद ही कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहे थे और बांग्लादेश के स्पिनरों के सामने बेबस नजर आए। वही दोस्तों, भारतीय टीम के इस हार पर अब भारत के दिग्गज भड़क उठे हैं और उन्होंने टीम इंडिया की हार की बड़ी वजह बताई है। सबसे पहले गौतम गंभीर ने बात करते हुए कहा कि एशिया कप जैसे टूर्नामेंट में हमें किसी भी टीम को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस मैच में शायद भारतीय टीम ने बांग्लादेश को हल्के में ले लिया था। हालांकि यह मैच उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं था, लेकिन फिर भी टीम इंडिया को इस मैच में थोड़ा इंटेंसिटी दिखाना चाहिए था। खास करके बल्लेबाजी में तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन के पास एक अच्छा मौका था। मैं सूर्य की बल्लेबाजी से काफी निराश हूं। T20 में तो उन्होंने अपना जलवा दिखाया है, लेकिन पता नहीं ODI में उनको क्या हो जाता है। इस मैच में ऐसा लग रहा था उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि वो बांग्लादेश के स्पिनर को कैसे खेले। वो बस लगातार स्वीप पर स्वीप खेलते जा रहे थे। किशन भी काफी कंफ्यूज दिखे। दोनों में से अगर एक भी खिलाड़ी शुभमन गिल का साथ देता तो भारतीय टीम यह मैच आसानी से जीत जाती। गंभीर के अलावा गावस्कर ने भारत की हार पर बात करते हुए कहा, टीम इंडिया के हार से मैं बेहद निराश हूं। एशिया कप में भारत एक भी मैच नहीं हारा था, लेकिन फाइनल से पहले उनका यह विनिंग स्ट्रीक टूट गया, जो कि अच्छी बात नहीं है। हालांकि इस मैच में भारत अपनी मेन टीम के साथ नहीं उतरी थी, लेकिन फिर भी टीम में KL राहुल, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन जैसे खिलाड़ी थे जिनको अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। खास करके सूर्य कुमार यादव को मुझे समझ नहीं आता, जब उनका ODI में रिकॉर्ड इतना बुरा है तो उन्हें वर्ल्ड कप की टीम में कैसे लिया गया है। उनसे अच्छा प्रदर्शन ODI में संजू सैमसन ने किया है, लेकिन वो टीम से बाहर है। मुझे लगता है कि टीम इंडिया को इस पर एक बार फिर से सोचना चाहिए। जो भी हो, लेकिन इस मैच में शुभमान गिल की बल्लेबाजी ने मुझे काफी इम्प्रेस किया है। वही अक्षर पटेल ने भी शानदार बल्लेबाजी की। वही दोस्तों, वीरेंद्र सहवाग ने भी इस पर बात करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि भारत को इस हार से ज्यादा चिंता करना चाहिए, क्योंकि यह भारत की मेन टीम नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बांग्लादेश की टीम को कड़ी टक्कर दी। खास करके शुभमन गिल और अक्षर पटेल ने जबरदस्त प्रदर्शन करके दिखाया। सूर्य कुमार यादव को अब अपनी ODI गेम ठीक करनी होगी। इस मैच में भी वह बेहद ही कंफ्यूज्ड दिखाई दिए। गिल और उनके बीच एक अच्छी साझेदारी भी हो रही थी, लेकिन फिर वह एक खराब शॉट खेलकर अपना विकेट गंवा बैठे। मुझे लगता है कि ODI टीम में सूर्य से ज्यादा संजू सैमसन डिजर्व करते हैं। हां, सूर्य ने T20 में तो शानदार प्रदर्शन करके दिखाया, लेकिन ODI में उनसे अच्छा रिकॉर्ड संजू सैमसन का है। दोस्तों, भारतीय दिग्गजों का मानना है कि सूर्य कुमार यादव की जगह वर्ल्ड कप में संजू सैमसन को मौका दिया जाना चाहिए था। क्या आप भी इस बात से सहमत हो? अपनी राय नीचे कमेंट जरूर करें।